जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोद नंदन ब्रज यमुना तीरवन चारि। यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि। यशोदनंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम
Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prabhu, who is class today? Nilambar Maharaj ji. Aa gaya Maharaj. Okay. हरे कृष्णा महाराज जी जय जय श्री राधा माधव भगवान जय जगन्नाथ प्रभु जी महाराज जी दंडवत प्रणाम 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 प्रभु शुरू कर सकते हैं महाराज आपका मैसेज भी आया नहीं कौन सा श्लोक क्या मैं तो ठीक है आप टेस्ट निकालिए मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ हरे कृष्णा महाराज जी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतम् नारायणं नमस्कृत्यम् नारायणं नमस्कृत्यम् नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासाम् देवीं सरस्वतीं व्यासाम् ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया नित्यं भागवतं सेवया भागवते उत्तम श्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके जय ग्रंथ राष्ट्र भागवत जय श्री गोपाल श्री गुरु महाराज जय जय श्रीमद भागवतम षष्ठ स्कंद 16 चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 5 बंधो ज्ञात्यारि मध्यस्था बंधु ज्ञाति अरि मध्यस्थ मित्र दासीन विद्विषः विद्विषः सर्वे बहि सर्वेषा मित्र दासीन विद्विषः सर्वयेवाहि सर्वेषाम् सर्वयेवाहि
भवन्ति क्रमशो मितः। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी। नेटवर्क डाउन है क्या मेरा? हाँ क्लियर आ रहा है। हाँ अभी थोड़ा ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। तो दोस्तों तो मैं पढ़ लेता हूँ महाराज जी करकोट। हाँ हाँ ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय श्री वेणुगोपाल श्रील प्रभुपाद की जय। इन दिस मटेरियल वर्ल्ड विच एडवांसेस लाइक ए रिवर दैट कैरीज अवे द लिविंग एंटिटी, all people become friends, relatives and enemies in due course of time. They also act neutrally, they mediate, they despise one another and they act in many other relationships. Nonetheless, despite these various transactions, no one is permanently related. It is our practical experience in this material world that the same person who is one's friend today becomes one's enemy tomorrow. Our relationships as friends or enemies, family men or outsiders are actually the results of our different dealings. Chitraketu Maharaja was lamenting for his son who was now dead, but he could have considered the situation otherwise. The living entity he could have thought was my enemy in my last life, and now having appeared as my son, he is prematurely leaving just to give me pain and agony. Why should he not consider his dead son his former enemy and instead of lamenting be jubilant because of an enemy's death? As stated in Bhagavad Gita 3.27, prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasya. Actually, everything is happening because of our association with the modes of material nature. Therefore, one who is my friend today in association with the mode of goodness may be my enemy tomorrow in association with the modes of passion and ignorance. As the modes of material nature work in illusion, we accept others as friends, enemies, sons or fathers in terms of the reactions of different dealings under different conditions. Hare Krishna. Maharaj, please. बहुत अच्छा श्लोक है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नीति नामिने नमस्याद भक्त मनाय मणिपुर ध्रुवाय गौपाद स्वामी प्रचार निरताय ते। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त बिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री श्रीपाद गुरुदेव जय प्रभुपाद महाराज। तो ये अध्याय में चित्रकेतु महाराज का जो विलाप है, क्रंदन है,
प्राकृत संबंध का वियोग, उनका संतान का वियोग के कारण तो इस श्लोक में ये जगत में भी छह प्रकार का, पांच प्रकार का जो रस प्राकृत रस है, प्राकृत रस रहता है, प्राकृत रस जो है कुछ समय के लिए, तो प्राकृत रस तो हमारा भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया कि चप्पल रस चप्पल सुखल लागे रे, और चप्पल सुख, और इसको आगे बताया भोग त्याग, भोग त्याग। ये जगत में हम लोग अपने बेटे को लेकर के भोग आनंद उठा रहे, वही बेटा फिर हमको चिरंतन सुख दे नहीं पा रहे, फिर दुख दे रहा है। वैसा ही मित्र मित्र में भी ऐसा ही होता है, मालिक और सेवक के अंदर भी ऐसा रहता है। सेवक को लेकर हम चिरंतन भाव में सुखी नहीं हो पा रहे, और मालिक को लेकर के भी हम लोग चिरंतन सुखी नहीं हो पा रहे। पति पत्नी और जो ये पांच संबंध, प्राकृतिक संबंध जो है चिरंतन सुख देने वाला नहीं, चिरंतन दुख देने वाला नहीं। आगम पायन नित्यम ताम तिथ्या स्वभाव, तो क्योंकि ये प्रकृति का काम है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व। प्रभुपाद महाराज भागवत व्याख्या करके बताए जो ये प्रकृति का ये स्वभाव है, हमको चिरंतन सुख नहीं देगा, चिरंतन दुख नहीं देगा। सुख दुख मात्र स्वस्थ बनते शीतोष्ण सुख दुखदा। जब तक हम लोग प्राकृतिक संबंध, प्रकृति रस के ऊपर आधारित रहेंगे, तो तब तक हम लोग ये सुख दुख व चिरंतन सुख चिरंतन दुख प्राप्त नहीं होगा। लिमिट सुख लिमिट दुख आएगा। तो इसी कारण ये जो हमारा प्राकृतिक संबंध है, प्राकृतिक संबंध प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, और अप्राकृतिक संबंध भगवान के द्वारा, भगवान का संबंध से होता है अप्राकृतिक संबंध। जैसे हम लोग एक एकत्रित और बैठे, कोई किधर है लेकिन हम लोग भागवत कथा सुन रहे, ये अप्राकृतिक संबंध है। इसमें प्राकृतिक सुख नहीं है, प्राकृतिक संबंध नहीं है, प्राकृतिक पूजा प्रतिष्ठा को केंद्र करके नहीं, तो उसको अप्राकृत। कृष्ण का संबंध सब अप्राकृत है। प्राकृत जो है इंद्रिय सुख, जैसे हमारा अष्टम अध्याय में बताया गया कि प्राकृतिक सुख कैसे होगा, इंद्रिय विषय संजोगात, इंद्रिय और विषय, विषय जो है सब्जेक्ट होता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये होता है विषय, ये विषय और हमारा इंद्रिया, यदि दोनों ठीक है तो हम लोग प्राकृतिक सुख भोग कर सकते हैं। ये दोनों में कुछ डिफेक्ट है तो हम लोग फैसिलिटी होने पर भी, यदि उदाहरण दिया जाए कोई उन्नत प्रसाद है, बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद है, लेकिन हमारा बीमार है, हमारा जीभा को रुचि नहीं है, तो क्या होगा, रुचिकर प्रसाद होने पर भी आकर्षणीय प्रसाद, जैसे हमारा आंख देख रहा है, हमारा सभी लोग बता रहे प्रसाद बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग को रुचि नहीं है क्योंकि हम लोग का अभी बीमार है, तो हमारा इंद्रिया ठीक नहीं है। तो इसी कारण भगवान बताए अर्जुन को ये प्राकृतिक सुख जो है इंद्रिय और विषय का संयोग से होता है,
और ये सुख क्या होगा ना, पहले तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन उसका रिजल्ट दुख का कारण हो जाएगा। मतलब सुख दुख भोग त्याग, ये चप्पल सुख हो गया। तो इसी कारण इस चप्पल सुख का पीछे हम लोग इतना प्रयत्न करना उचित नहीं है। जो बुद्धिमान है तत्र नामोहंति, धीर तत्र नामोहंति। तो जो अधीर है, तो मतलब जब तक हम प्राकृतिक संबंध में रहेंगे, प्राकृतिक सुख का पीछे रहेंगे, तब तक हम लोग अधीर ही होगा, कोई भी धीर नहीं बन सकता। तो प्रभुपाद महाराज डायरेक्ट इस उपनिषद वर्णन किए, जब तक हम कृष्ण का दिव्य लीला को आस्वादन नहीं करते हैं, कृष्ण का दिव्य सेवा में नियुक्त नहीं होते हैं, तब तक हम लोग ये प्राकृतिक सुख से मुक्त होना सहज नहीं है। प्राकृतिक सुख के द्वारा हम प्रभावित होंगे ही होंगे, और जो प्राकृतिक सुख है उसका रिजल्ट आएगा दुख। जब तक रे अमृतमिव परिणाम विषतुल्य तत्सुख राजस स्मृता, ऐसा सुख को रजोगुण सुख कहा जाता है। और कैसे प्राप्त होगा, विषय इंद्रिय संजोग, विषय और इंद्रिय ये दोनों का संजोग से ये सुख मिलता है। तो भगवान बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किए कि ये सुख यदि पहले पहले बहुत अच्छा लगेगा, अमृत जैसा लगेगा, लेकिन बाद में बहुत कड़वा आ जाएगा रिजल्ट। जैसे हम लोग संसार जगत में देखते हैं, लोग अपना बीवी बच्चे को लेकर के बहुत आनंद में रहते हैं। हम लोग जब प्रचार करते थे संकीर्तन, तो हमारा सांसारिक लोग आकर के हम लोग को समालोचना करते थे, बहुत प्रकार का, देखो तुम लोग साधु बना सन्यासी बना, इसमें क्या सुख है, हम लोग मेहनत करते हैं, घर को जाते हैं तो हमारा बच्चे लोग बहुत अच्छे से हम लोग को रिसीव करते हैं, बच्चे लोग को माँ बाप को संघ का द्वारा हम लोग बहुत लोग का जब हम लोग को स्वागत करते हैं तो बहुत आनंद मिलता है, बच्चे लोग को जब गोद में लेते हैं तो बहुत आनंद मिलता है। तो ये तो सुख है, लेकिन वही बच्चा वही माँ बाप आगे जाकर के बहुत दुख दे रहे। जैसे हमारा भुवनेश्वर का एक ब्रह्मचारी बता रहे थे, जब हमारा माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं क्या होते हैं, बोलते हैं इतना कष्ट दे रहा है। हमारा ओडिया भाषा में कहते हैं बाड़ी पसा बूढ़ा मरता नहीं, बाड़ी पसा, ओडिया भाषा बाड़ी पसा। इधर से बहू आएगा नात मारेगा, बोलेगा बाड़ी पसा बूढ़ा मरता नहीं, और उधर बेटा आएगा एक नात मारेगा, बोलेगा बूढ़ा मरता ही नहीं है। तो ये दुख है, बाप दुख दे रहा है, बाप बेटा को दुख दे रहा है, बेटा बाप को दुख दे रहा है, कोई किसी को सुख नहीं दे पा रहे। लेकिन जो अप्राकृत सुख है वो दुख का कारण नहीं है। अप्राकृत सुख जो है वही पांच संबंध ही रहेगा, लेकिन वो दिव्य सुख है। और सुख कैसे प्राप्त होता है ना, आत्मज्ञान प्रसाद अजम। ये आत्मज्ञान जब हम अनुशीलन करेंगे, संयत जीवन यापन करके जब हम भगवान का सेवा करेंगे, भगवत भक्ति अनुशीलन करेंगे, तब भी ये सुख प्राप्त होगा, सत्वगुण सुख हो अप्राकृत सुख। इसको आगे भगवत गीता में और प्रभुपाद महाराज भगवान कृष्ण व्याख्या किए, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। दैवी प्रकृति, ये प्रकृति जैसे अभी बताए, प्रकृति गुण प्रकृति क्रिया मानानी गुण कर्माणी सर्वस्व। ये प्रकृति जगत और काम नहीं करेगा, ये जो माया शक्ति, भगवान का माया शक्ति, प्राकृतिक शक्ति, प्रकृति शक्ति और
जब हम लोग भगवान का दिव्य सेवा में नियुक्त हो जाएंगे, भगवान का सुख ही हमको सुख ग्रहण कर लेंगे, तो वही समय ये प्राकृत जगत और हम लोग को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो क्या होगा, दैवी प्रकृति में आश्रित हम लोग अभी दैवी प्रकृति के द्वारा परिचालित होंगे। वही स्थिति में क्या होगा, कोई भी प्राकृतिक शक्ति, प्राकृतिक संबंध के द्वारा और प्राकृतिक शक्ति के द्वारा हम लोग सुख दुख के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे, हर तरफ से मुक्त रहे। तो इसी कारण इधर अभी महाराज चित्रकेतु, यदि उनका 1 करोड़ पत्नी थे और प्राकृतिक सुख भोग करने के लिए कोशिश किए, लेकिन संभव नहीं, इसका सुख कहीं और है, लेकिन वो एक ही जगह में ढूंढ रहे। जैसे हमारा गुरु महाराज तत्व जिज्ञास में वर्णन किए, हमारा साइंटिस्ट लोग को सिखाए, क्या सिखाए, बोले तुम लोग रिसर्च करते हो मैथमेटिक्स के ऊपर, साइंस के ऊपर, लेकिन आप एक ही दिग में ही रिसर्च करते हो। जैसे हमारा चित्रकेतु राजा एक ही तरफ से रिसर्च कर रहे कि मैं मुझे पारिवारिक सुख ही सुख दे सकता है, मैं एक पत्नी से संतान बना नहीं पाया तो करोड़ पत्नी बनाऊंगा। तो एक ही वर्कशॉप में उन्होंने प्रयत्न कर रहे, ना ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा रिगिड नहीं होना चाहिए। यह हमारा उपदेशामृत में वर्णन किए, अत्याहार प्रज्वलपन्य मग्रह जन संघ लोल्यंश लोल्यंश, ऐसा है बस रिगिड नहीं होना चाहिए, नहीं इससे ही होगा, मैं जो सोचता हूँ ये ही परफेक्ट है, मेरा विचार, मेरा बुद्धि, मेरा रिसर्च यही परफेक्ट है, तो फेल हो जाएंगे हम लोग, सफलता नहीं मिलेगा। गुरु महाराज उधर बताए, बोले भगवान ने ये अमृत सुजोग दिए मनुष्य जन्म को, ये अमृत गिफ्ट है, तो उसको माध्यम में हम कैसे भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग सबसे उन्नत सुख प्राप्त, उसका इसलिए भगवान कुछ हम लोग को दिए हैं, सबको सुख दे रहे, सबको दुख दे रहे भगवान। यदि भगवान के ऊपर निर्भर करेंगे तो हम लोग को तो दिव्य सुख मिलेगा, लेकिन हमारा प्रयत्न, हमारा बुद्धि को ही यदि हम सफिशिएंट मानेंगे तो नहीं होगा। तो इसमें गुरु महाराज उदाहरण दिए, हम लोग रिसर्च करते हैं 3 घंटा 4 घंटा एक एक टॉपिक को लेकर के, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत भगवान का प्रार्थना करेंगे, वैदिक शास्त्र को देखेंगे, साधु संत करेंगे और हमारा गाइड लोग के साथ परामर्श करेंगे, तो वही आधा घंटा के अंदर सॉल्यूशन हो जाता है काम। लेकिन हम लोग 2 दिन 5 दिन 7 दिन 1 महीना तक लग जाता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों, जैसे चित्रकेतु राजा उन्होंने सोच रहा है ठीक है, एक पत्नी के द्वारा संतान नहीं हुआ, 5 पत्नी ग्रहण करे, इसके द्वारा भी संतान नहीं हो रहा, 100 पत्नी ग्रहण करे, अपना बुद्धि अपना स्वभाव को ही प्रयोग कर रहे, लेकिन भगवान उनको कैसे कैसे सुखी करना, उनका सुख दूसरे और कहीं है, लेकिन उन्होंने सोच रहे नहीं मैं ऐसा ही सुखी होऊंगा, ऐसा रिगेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें दूसरे एक बहुत अच्छा शिक्षा है कि गुरु महाराज के माध्यम से गुरु महाराज बताए कि हम लोग यदि कोई हमारा गाइड और प्रार्थना ये सब का माध्यम से हम देखते आधा घंटा में सॉल्यूशन हो जाता है, तो इधर ये सभी आवश्यक है, ये रिसर्च भी आवश्यक है और साथ साथ हमारा भगवान का प्रार्थना, साधु संग, भागवत शास्त्र ये भी हम लोग चिंतन करना, ये भी समान है, कुछ फर्क नहीं है, कोई कमी नहीं है,
किसी में दोष नहीं है, लेकिन हम लोग एक पॉइंट को केंद्र करके ही चलेंगे तो नहीं होगा, इसका रिजल्ट दूसरे कहीं है। तो हमारा विचार को, हमारा स्वभाव को हम लोग परफेक्ट जब तक सोचते हैं तब तक हम लोग आगे बढ़ना, समाधान में पहुंचना, लक्ष्य में पहुंचना संभव नहीं होगा। दूसरे के महाभारत का छोटा कथा बोल के हमारा समाधान करूंगा। एक समय ऐसा है, महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ। तो एक नेउल, नेउल को क्या कहते हैं, ऐसा जो सांप को काट के खा लेता है, और नेउल क्या हुआ, वो आया आकर के धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ में, जो महान महान ऋषि लोग, ब्रह्मर्षि लोग, देवर्षि लोग अभ्यर्थना होने के बाद जब प्रसाद का जो झूठा गिर जाता था तो झूठा में वो लेटते थे, लेट लेट करके उन्होंने प्रयत्न कर रहे थे कि उनका दूसरा अंग भी सुवर्ण हो जाए, उनका कामना वही था। जैसे चित्रकेतु राजा का कामना है कि मुझे दूसरे कोई एक संतान बन जाए, क्योंकि लेकिन उनका दूसरा अंग सुवर्ण हुआ नहीं। तो इसी कारण युधिष्ठिर महाराज के पास जाकर के उन्होंने कंप्लेन किए कि महाराज आप इतना बड़ा यज्ञ किए हो, ये पूरा विश्व का प्रसिद्ध यज्ञ है, सभी देवर्षि और ब्रह्मर्षि सब लोग उपस्थित है, हर प्लैनेट में आपका गुण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसका तो रिजल्ट इतना उन्नत है नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज का तो राज दरबार, क्योंकि राज अश्वमेध यज्ञ के बाद सब कथाकार बैठते हैं, तो महान महान ब्रह्मर्षि लोग, भगवान, ये सब लोग बैठ करके डिस्कस, भागवत कथा हो रहा है, ये स्वभाव है। सभी बड़े बड़े कार्य का जब आहुति वा पुनः आहुति दिया जाता है, वही समय अभी भी भारत में कई कई जगह में भागवत कथा करते हैं, भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, कोई यज्ञ हो, कोई तपस्या हो, ये सब होते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी ऐसा भागवत कथा सभी ब्रह्मर्षियों को लेकर के कर रहे थे, बैठो इधर चीज लेके। तो ऐसा क्या हुआ, जब वो नेउल ने ऐसा समालोचना किया तो युधिष्ठिर महाराज कुछ प्रभावित नहीं है, उनको पूछे भाई कमी क्या है, आपको कैसे मालूम हो गया ये यज्ञ इतना उन्नत है नहीं बोल। तो उन्होंने बताया, बोला एक समय में एक गृहस्थ ने एक शेर सत्तु एक ब्राह्मण को खिलाया और उनका झूठन पत्ता उनका घर का पीछे गिरा दिया था, और मैं चलने का समय मैं गिर गया उनका झूठन में, तो मेरा एक साइड पूरा सुवर्ण हो गया, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ आपका यज्ञ में इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि देवर्षि लोग है, वो लोग का झूठन में मैं लौट रहा हूँ, लेकिन थोड़े भी मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हम लोग कहते हैं पाद रजो अभिषेकम, महत सेवा बिना भाई कोनो, महत महत बिना महत सेवा पाद रजो अभिषेकम, बिना महत पाद रजो अभिषेकम, कहते महत्व लोग का, महात्मा लोग का पाद रज का अभिषेक के बिना हमारा चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा भागवत का प्रमाण है। लेकिन अभी इधर हम देख रहे हैं महर्षि लोग का झूठन में गिर रहा है, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने आपका अभिषेक दे दिया युधिष्ठिर महाराज का राज दरबार में, महाराज को छोड़कर देने, ऐसा उनके नेउल के बात के ऊपर कोई प्रभावित नहीं है। लेकिन ये कथा
हमारा जन्म जय महाराज वैशंपायन ऋषि से सुन रहे हैं, जब उन्होंने हम ये यज्ञ कर रहे सर्प यज्ञ के बाद, सर्प यज्ञ का पूर्णाहुति के बाद उन्होंने भी बैठ गए सभी साधु संत को लेकर के भागवत कथा में बैठ गए। तो अभी वैशंपायन ऋषि ने भागवत कथा बता रहे, तो बताया ऐसा युधिष्ठिर महाराज का राष्ट्र यज्ञ हो रहा था, तो महाराज हरे कृष्णा महाराज जी। Hello, requested to be on hold. Maharaj's connection is lost. हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा महाराज जी। ठीक है ब्रो, हरे कृष्ण। यस महाराज जी, वी लॉस्ट महाराज जी अगेन, मे बी एनी अदर महाराज जी इफ दे आर इन ए पोजिशन दे कैन ट्राई टू टेक द क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट।
Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो मैं संक्षिप्त में बोल देता हूँ, हो गया। तो महाराज जन्मजय को वैशंपायन ऋषि ने बताया, भले आपका पितामह का जो यज्ञ है वो तो पूर्ण है, क्योंकि भगवान और उनका गुरु लोग प्रसन्न थे, वो लोग अनुमोदन किए थे। जो नेवल है, नेवल सोच रहा था कि मेरा दूसरा अंग भी सुवर्ण होगा तब ये परफेक्ट है, वो उसका सोच वही है। जैसे हम लोग अभी चित्र के तो महाराज का सोच देख रहे, मेरा कोई एक संतान बनेगा तभी मैं परफेक्ट, मेरा उन्नत होगा, मैं सुखी होगा, ऐसा नहीं है। अपना जिद, अपना संकल्प को ही पूर्ण ऐसा मानना, यह अपूर्णता है। लेकिन बता है, वो नेवल बाद में भगवत धाम प्राप्त हो गया, और उसका नेवल शरीर से मुक्त हो गए, उनका वो अभिशप्त शरीर था, अभिशप्त शरीर से मुक्त हो गए। तो वैसा ही हम लोग अपना सोच, अपना संकल्प को हम कभी भी पूर्ण सोचना, ये हमारा अपूर्णता है। गुरु आचार्य साधु भगवान का मतामत को हम लोग पूर्ण हिसाब से ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा। और इसके बाद यदि कोई डिफेक्ट होगा मुझे कॉल कर दीजिए, कॉल करके कॉल का माध्यम से आप लोग सुन सकते हो, नहीं तो आप प्रश्न कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी, आप कोशिश कीजिए रहने के लिए, अगर नहीं हो पा रहे तो दूसरा तरीका ढूंढेंगे। हाँ, मैं कॉल कर दीजिए, कॉल तो होता चलता है, लेकिन ये इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ देता है। हाँ ठीक है महाराज। If anyone is having any question, we'll take one question for this session. They can raise the hand and ask महाराज जी. महाराज जी, किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। हेलो। यस प्रभु जी प्लीज। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी व्यक्ति, एग्जांपल के तौर पे साइंटिस्ट या फिर कोई चित्रकेतु जैसे, वो क्यों सेटिस्फाइड हैं? जो उनको वो जो सोच रहे हैं वही सही है, ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो? कोई साइंटिस्ट है, वो जो रिसर्च करता है, तो उसको लगता है कि वो जो कर रहा है, वो जो सोच रहा है वो सही है, उसको उसमें ज्यादा सुख मिल रहा है, वो और एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि साइंटिस्ट का काम तो एक्सप्लोर करना है, तो थोड़ा इस पे बताइए। हमारा गुरु महाराज दिए साइंटिस्ट लोग यदि सुख हो भोग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग लिमिट सुख है, ठीक है, तो वो लोग पूर्णता तक प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि उधर हमारा भगवद गीता में दिए कि सत्व गुण जो सुख है, ज्ञान सुखे न बद्धनती, ठीक, 18 अध्याय में सत्व गुण, जैसे शिक्षित समाज है, ये लोग सब ब्राह्मण है, वो लोग सुख है, लेकिन तब भी वो लोग बंधन अवस्था से मुक्त नहीं हो पा रहे। सुख और ज्ञान, वो ज्ञान और सोचते हम लोग परफेक्ट है बस, और दूसरे से सुनने को तैयार नहीं हो रहे। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर रहे हैं, तो वो लोग अपने को कभी भी परफेक्ट नहीं सोच रहे। जैसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज देखिए, कोई भी आचार्य देखिए, हमारा कोई आचार्य जो देखेंगे तो हम लोग को मालूम होगा कि वो लोग कभी अपने को परफेक्ट नहीं सोच रहे। प्रभुपाद महाराज लास्ट को भी बोल रहे कि मैं भगवान का पूर्ण रूप में भक्ति कर नहीं पा रहा हूँ, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, और तुम लोग यदि मेरे निर्देश को पालन करोगे, आप लोग भी भक्त बनोगी, लेकिन अपने को पूर्णता नहीं मान रहे हैं।
लेकिन हमारा साइंस जगत में, हमारा शिक्षित समाज में, ब्राह्मण समाज में ये सत्व गुण के कारण वो लोग कभी अपने को दूसरे से उपदेश ग्रहण करना, परामर्श करना वो तैयार नहीं हो रहे। यही अपन महाराज एक चीज है कि है ब्राह्मण समाज सत्वगुण में है, जो है साइंटिस्ट है वो तो रजोगुण में भी रह के काम करता है ना, बहुत रजोगुण होता है तभी तो वो रिसर्च करता है। नहीं तो हमारा शास्त्र का प्रमाण में वो सत्वगुण है। सत्वगुण मतलब जैसे पूजन पाजन पठन पाठन जो पढ़ाता है, खुद पढ़ा है दूसरे को पढ़ा दो। आप लोग 15 साल 20 साल पढ़े हो, आप जो पढ़ा और अनुभव किया उसको आप दूसरे को सिखा रहे हो तो आप ब्राह्मण हो गया। आप अभी बोलना नहीं कि मैं रजोगुण में ये चाह रहा हूँ वो चाह रहा हूँ, यदि लाखों कामना वासना होने पर भी आपका एक्टिविटी का हिसाब से आप ब्राह्मण है। गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म का हिसाब से, जन्म का हिसाब से नहीं है। पूजन पाजन पठन पाठन जजन जाजन ये जो 6 काम करता है उसको ब्राह्मण कहा जाएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। यस ओके महाराज जी, प्लीज सॉरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। हाँ महाराज, दंडवत प्रणाम। दंडवत ऑल गोस टू श्रीपाद। आप तो हमारे पुरानी हैं, महाभारत का दृष्टांत बहुत बढ़िया है। और आप जो कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल से भगवद गीता 14.6 वो कहना चाहते हैं आप, उसके ऊपर थोड़ा आप खोल के बताइए। 14.6 महाराज, एक मिनट आपका आदेश पालन करूं। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नति ज्ञान संगेन सानघ। तो ओ सिनलेस वन, द मोड ऑफ गुडनेस बीइंग पुअर देन द अदर्स इज इल्यूमिनेटिंग and it frees one from all sinful reaction. Those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. तो वो लोग का सुख जो है इंद्रिय सुख का परे नहीं होता है, इसी कारण वो लोग बंधन, जैसे हम लोग आगे भी वर्णन किए हैं कि यदि सुख और ज्ञान ये भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, अप्राकृत ज्ञान नहीं, अप्राकृत सत्य नहीं, तो इसी कारण वो लोग को ये दोनों बांध देता है। जैसे हम आगे जाकर के व्याख्या किया था कि जो आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर रहे वो लोग आसान से कभी भी दूसरे से सुनने को, दूसरों का मतवाद को बहुत अच्छा से रिसीव करते हैं, अपने मतवाद अपना पोजिशन को पूर्णता नहीं मान रहे। लेकिन हमारा साइंस जगत में, जैसे हमारा भक्तिवेदा इंस्टीट्यूट में भी हम लोग देखते हैं, हमारा उच्च शिक्षित सभी हमारा प्रभु जी लोग है, हमारे गुरु महाराज का शिष्य लोग है, हम तो शिष्य लेकिन मिलित भाव में करना है संभव नहीं है। सभी जत मतलब तत्व पत्थ हो जाते हैं। वो बोलता है मैं परफेक्ट हूँ, वो बोलता है मैं परफेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ कह रहा हूँ एकदम ठीक है। तो वैसा ही, क्योंकि हम लोग स्पेशलिस्ट है, गुरु महाराज जितने शिष्य है सब स्पेशलिस्ट, एक एक एंगल में तीक्ष्ण है। तो ये माध्यम से इतने एक एक एंगल में वो लोग एडवांस कर लिया कि दूसरे साइड का माध्यम से मैं सुखी हो ऐसा सोचते भी नहीं पा रहे। जैसे हमारा चित्रकेतु महाराज,
करोड़ों पत्नी ग्रहण कर लिया और उनका मन में थोड़े भी यदि अंगिरा ऋषि भी बता रहे कि ये संतान है वो है वो है, ये सब सुख का कारण नहीं होगा महाराज, इसमें आप क्यों फंसे हो, तभी वो नहीं सुन रहा है। अरे रे मैं ऐसा ही सुखी हूँ, ये लक्षण है तो इसमें, और आप महाराज हमारा कुछ बताया नहीं। महाराज आप कुछ बोलेंगे तो ये श्लोक के ऊपर कुछ बोल सकते हैं। हरे कृष्णा बोलना क्या, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने तो स्पॉट ऑन बता दिया, क्योंकि सेंस कि मैं ज्ञानी हूँ ये सत्व गुण का ये बंधन है राधे राधे। तो कोई अपने आप को ज्ञानी माने तो वो फिर सबको सिखाएगा ही ना, वो सीख नहीं सकता आगे। जो ऐसा मान लेता है कि सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चाणक है, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तू तो निष्पाप है, तो ये जो सत्व गुण का जो दोष है कि मैं जानता हूं, क्योंकि भगवान ही क्लेम कर सकते हैं, भगवान के अलावा कौन क्लेम कर सकता है कि वो जानता है, इसीलिए वो ठप हो जाता है। तो सत्व गुण बहुत जबरदस्त बाधक है, और जो गुरु महाराज के बारे में आपने बात बताई यही गुरु महाराज की असीम कृपा। गुरु महाराज तो कितने ज्ञाता, कितने परम ज्ञानी थे, तो ज्ञानियों के बीच में परम ज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने ज्ञानियों को ये बोध कराया कि तुम ये जो मानते हो कि तुम बहुत जानते हो वो पर्याप्त नहीं है। तो इसीलिए वो एटीट्यूड नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे, जबकि जो साधक होता है वो हमेशा और सुनना चाहता है। भगवान के बारे में हम कितना जान सकते हैं, बहुत कम। तो जो कोई और सुनाता है तो उसको लगता है यहाँ भगवान तो और भी अद्भुत है, महिमा अनंत जानने के लिए है। जितना हम जानते हैं, इवन द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जितना वो जानता है कंपेयर टू व्हाट ही डज नॉट नो, देयर इज नो रेशियो। एक्चुअली यू कैन नॉट एस्टैब्लिश द रेशियो हाउ मच वन डज नॉट नो, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाटएवर लिटिल वी नो, इफ वी हैव दिस सेंस दैट आई नो, दिस इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। To it is very safe to acknowledge that I do not know. That is true knowledge actually. See the paradox. To claim that I know is the greatest ignorance, and to acknowledge that I do not know is the greatest knowledge. The paradox, one who imbibes becomes a bhakta, becomes a then the scientist becomes a saint. Hare Krishna. Radhe Radhe. Main niklu phir. All right. Maharaj. Aashirwad Maharaj ji. Bahut acha hai. Jo vastavik gyani hota hai adhyatmik jagat mein wo apne ko agyani hai. दूसरों का ज्ञान तो बहुत सराहना बहुत उत्साह देते हैं, निर्भर भी करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्णा महाराज जी, कंक्लूड कर सकते हैं। हाँ हाँ, जय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की जय, जय जय अनंत कोटि वैष्णवसमिन जय, मंगलार गणपति विहार कृपा सिंधु भगवत पुताना पावन वैष्णव में भेद हरे चलिए बच्चा रूप नीलांबर कृष्ण महाराज के जय। थैंक यू वनंदाल फॉर जॉइनिंग, सी यू ऑल इन टुमारोस क्लास। हरे कृष्णा।